इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कामटी मोटर्स छिंदवाड़ा। घर में पहली संतान बेटी होने पर छोटा तालाब के पास मंगोड़े की दुकान चलाने वाले प्रशांत उइके ने आज क्षेत्र में ग्राहकों को फ्री में मंगोड़े खिलाए। प्रशांत उइके का कहना था कि बेटियां भाग्य से घरों में आती है, उनके घर में बेटी के रूप में लक्ष्मी का अवतरण हुआ है। इसी खुशी में उनके द्वारा सभी ग्राहकों को निःशुल्क मंगोड़े खिलाए गए। प्रशांत छोटा तालाब के पास शास्त्री पार्क के नजदीक जय बजरंगबली मंगोड़े वाले के नाम से हाथ ठेला लगाकर मंगोड़े बेचने का कार्य करते हैं। उनके घर में पहली बेटी होने पर पूरा परिवार में खुशी का माहौल है। जैसा कि माना जाता है कि समाज में बेटियों को थोड़ा सा बोझ और बेटी होने के अवसर पर थोड़ा सा लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। आज मुझे बेटी हुई है पहली, तो इस वजह से मैंने अपनी दुकान में मंगोड़े फ्री रखे हैं। दादा की दुआ से कम 500 लोगों ने मेरे पास से मंगोड़े खाकर और मुझे ढेर सारी बधाइयाँ दी है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 19 से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर से गुड गवर्नेंस सप्ताह मनाया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले में गुड गवर्नेंस सप्ताह मनाने के लिए जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण को नोडल अधिकारी बनाया गया है। आज जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण के द्वारा जिला पंचायत सभा कक्ष में पंचायत के अधिकारियों को बैठक लेकर उन्हें सुशासन सप्ताह के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विद्याभूमि पब्लिक स्कूल में आज सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों के तहत विविध रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें स्कूली बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में WCL कन्हान क्षेत्र के AGM बी रामा राव, कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन डॉक्टर शेष राव यादव और डायरेक्टर विजया यादव सहित समस्त स्कूल स्टाफ मौजूद था। इकलहरा डाकघर में 2,44,000 का गबन करने वाले पोस्ट मास्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल साल 2015-16 का यह मामला बताया जा रहा है। इकलहरा की पोस्ट ऑफिस में पदस्थ पोस्ट मास्टर नीलेश पिता मेहताब के द्वारा हितग्राहियों की जमा राशि के साथ गोलमाल किया गया था, जिसमें पोस्ट मास्टर ने लगभग 2,44,000 राशि का गबन किया था। पुलिस ने जब मामले की जाँच की तो पोस्ट मास्टर दोषी पाया गया। उसके बाद पुलिस ने आज जांच के आधार पर आरोपी के खिलाफ 420, 468, 471 के तहत मामला पंजीबद्ध किया था। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ पिछले 10 दिनों से नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेशव्यापी हड़ताल पर हैं। इसी क्रम में जिला अस्पताल के पास भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहा है। आज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन ने नियमितीकरण की मांग को लेकर PPE किट पहनकर अपना विरोध दर्ज कराया और नियमितीकरण की मांग की। हम लोग नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेशव्यापी हड़ताल पे हैं। सारे जिले 51 जिलों से हम 32,000 संविदा कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मामा जी को अभी तक हमारी खबर लेने की होश नहीं आई। हमें भी दुख हो रहा है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो रही हैं। ग्रामीण अंचलों में सेवाएं नहीं मिल पा रही, मरीज दर दर भटक रहे हैं। कोई किसी का बच्चा एम्बुलेंस में हो जा रहा है, कोई मर जा रहा है, वो हमें देख के दुख हो रहा है। मगर मामा जी को देख के बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ से ठप हो रही है। मैदानी इलाके से भी स्वास्थ्य व्यवस्था ठप होती है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आज स्वास्थ्य विभाग पूरा हड़ताल पर बैठा हुआ है तो भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। हम ये चाहते हैं कि वो नियमितीकरण हमारी मांग को पूरा कर दे। दो ही मांग है, कोई ज़्यादा मांग नहीं है, और जायज मांगे हैं, उनको पूरा करनी चाहिए और आके सामने से बात करनी चाहिए, जो बात वो कर भी नहीं रहे हैं। सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री अकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री अकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रेवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666।
क्षेत्र के जाटा छापर की युवती के दूसरे समुदाय के युवक से विवाह करने के आवेदन ने क्षेत्र के माहौल को गर्मा दिया है। इस विवाह को लव जिहाद का नाम देकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आज SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि आदिवासी समाज की भोली भाली बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाकर उनसे शादी रचाकर धर्म परिवर्तन के लिए विवश करने के मामले इन दिनों सुर्खियों में है। ज्ञापन में कहा गया कि जाटा छापर निवासी युवती जो शहडोल के जिला चिकित्सालय में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत है, उसे आरक्षण के तहत नौकरी मिली है। उसे चंदा मेटा निवासी एक मुस्लिम युवक द्वारा प्रेम प्रसंग में फंसाकर उससे निकाह करने और धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बना रहा है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और आदिवासी अखिल भारतीय विकास परिषद ने युवती के परिवार के साथ ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्यवाही की मांग की और आंदोलन की चेतावनी दी। दशहरा मैदान में राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन 17 से 24 दिसंबर तक किया गया था। 24 दिसंबर को शिव महापुराण का समापन होने के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर महाप्रसाद ग्रहण किया। बता दें कि दशहरा मैदान में आयोजित शिव महापुराण कथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त वृंदावन महाराज के द्वारा सुनाई गई थी। कथा सुनने प्रतिदिन हजारों की तादाद में श्रद्धालु दशहरा मैदान पहुंचे थे, जहां पर भक्तों को पंचमुखी और सप्तमुखी रुद्राक्ष का वितरण भी राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा कराया गया। राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा भव्य महाशिवपुराण का आयोजन किया गया था, जिसका समापन है, जिसमें निरंतर सेवा से हमने 20 से 25 हजार रुद्राक्ष बांट चुके हैं। लोगों की आवागमन ज़्यादा होने के कारण रुद्राक्ष का कार्यक्रम बंद कर दिया गया है। किसी प्रकार का कोई हादसा हो जाए, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाए, उसके चक्कर में हमने राष्ट्रीय हिंदू सेना की समिति ने निर्णय लिए कि रुद्राक्ष बंद कर दिया जाए बांटने के लिए। हमारे समिति के कार्यकर्ताओं को निरंतर हमने सेवा दी, उनका हृदय से धन्यवाद। वह लगभग हमारे पास 50 हजार लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। हमारे कार्यकर्ता लोगों ने, समिति के लोगों ने बहुत सहयोग किया है। वह छिंदवाड़ा वासी नगर वासियों का हृदय से धन्यवाद। आप लोगों ने जो अनुशासन, जो हमारे प्रशासन ने सहयोग प्रदान किया है, मीडिया कर्मी ने सहयोग प्रदान किया है, वह जो भी भक्तगण आए थे यहाँ पे, श्रद्धालु भक्तगण, उन्होंने भी हमें पूर्णतः सहयोग प्रदान किया। उनके लिए राष्ट्रीय हिंदू सेना परिवार, राष्ट्रीय हिंदू सेना संगठन में समिति की ओर से सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सफल आयोजन बनाने के लिए आप लोगों का हृदय से नमन। नगर पालिका निगम के द्वारा नागरिकों को दिए जाने वाले पेयजल में दूषित पानी मिलने की शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिसके चलते निगम सभापति प्रमोद शर्मा के द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर कुछ क्षेत्रों में पानी की टंकी की सफाई करवाई गई। शहर से शिकायतें आ रही थी कि गंदा पानी लोगों के यहाँ आ रहा है, जबकि फिल्टर प्लांट से हम लोग इस मौसम में तो वैसे भी पानी साफ आता है, साथ ही फिल्टर होने के बाद पानी बहुत अच्छी गुणवत्ता का लोगों तक पहुंचता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों से ऐसा लगातार बोला जा रहा था कि कुछ मिट्टी जैसी जम रही है। उसी तारतम्य में मैंने अधिकारियों से चर्चा की और शहर की सारी पानी टंकियों का सफाई अभियान शुरू करवाया, क्योंकि मुझे पता चला कि कोरोना काल के बहुत साल पहले ये बड़ी बड़ी टंकियाँ जो हैं इनकी सफाई लगातार नहीं होती रही है। उस कारण भी और आज मैं स्वयं पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर देखा कि अंदर मिट्टी, डस्ट और गंदा पानी जमा है, और निश्चित रूप से पुराने जनप्रतिनिधियों का मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उन लोगों ने इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, जबकि यह जनता को गुणवत्तापूर्ण पानी पहुंचाना नगर निगम का कार्य है। और इसी तारतम्य में हम लोग लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं कि लोगों तक अच्छा पानी पहुँचे और हम इसको और सुलभ और सरल बनाएं। समाज सेवी शिक्षिका किरण सोनी के द्वारा आज उनके परिजनों के साथ मिलकर माध्यमिक शाला सुकलू ढाणा में लगभग 85 जरूरतमंद छात्र छात्राओं को स्कूल बैग और शिक्षण सामग्री के साथ मिठाइयों का वितरण किया गया। शासकीय प्राथमिक शाला के बच्चों के लिए उनकी आवश्यकताओं की शैक्षणिक सामग्री की जो जरूरत रहती है, वो प्रतिवर्ष मैं स्वयं भी उनको प्रदान करती हूँ, अन्य समाज सेवियों को भी प्रोत्साहित करती हूँ। इसी कड़ी में आज मेरे और मेरे परिवार के द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला, बालक शाला और नवीन प्राथमिक शाला के करीब 80 बच्चों को उनके स्कूल बैग्स, कुछ और शैक्षणिक सामग्री और स्वल्पाहार का आयोजन मेरे परिवार की तरफ से हुआ है। मैं समाज के अन्य समाज सेवियों से, समृद्ध परिवारों से भी अपील करती हूँ कि इसी तरह यदि हमारे शासकीय बच्चों के लिए वो अपनी खुशियाँ इस तरह उनके आवश्यकता की जरूरत की चीजों को वितरित करके मनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा।
चंदन गांव पाठाढाना में गायत्री परिवार के द्वारा श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा और नौ कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन 24 से 28 दिसंबर तक किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में गायत्री परिवार के श्रद्धालु कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। वार्ड क्रमांक 38 समर्थ रामदास वार्ड में लगभग 15 दिनों से नौ कुंडी गायत्री यज्ञ की तैयारियां चल रही थी, जिसके तारतम्य में आज यहाँ शिव शक्ति विद्यालय के पास नौ कुंडी गायत्री यज्ञ होने जा रहा है, जिसमें हमारे क्षेत्र के सभी धार्मिक बंधु एवं गायत्री परिवार को मानने वाले जानने वाले सभी लोगों के द्वारा कलश यात्रा, भूमि पूजन और यज्ञ का प्रारंभ होने जा रहा है। मेरा आप सब सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस होने वाले नौ कुंडी गायत्री यज्ञ में सम्मिलित हुए और पुण्य लाभ ले। साथ ही साथ अप्रैल के माह में जिला छिंदवाड़ा में 108 कुंडी गायत्री यज्ञ होने जा रहा, उसी की पूर्व तैयारी को लेकर जन जागरण के निमित्त यह आयोजन किया जा रहा है। नगर पालिका निगम के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की तैयारियां की जा रही है। इसी क्रम में नगर पालिका निगम के द्वारा आज निगम सभा कक्ष में शहर के समाज सेवियों और जागरूक नागरिकों को निगम का स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इस अवसर पर निगम के द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। हम लोग अपने शहर को नंबर वन लाने के लिए जगह जगह नुक्कड़ नाटक करेंगे और रंगोलियों से हम उनका संदेश देंगे। सारे बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबको हम संदेश देंगे। इस बार हमें नंबर वन लाना है अपने छिंदवाड़ा को। प्रयास के द्वारा ये कोशिश करूंगा। पहले तो पॉलीथीन के लिए काम कर रहा हूं, अभी लगभग 800 थैले मुझे बांटने हैं कपड़े के, वो करूंगा। और हमारे आइट साइड में आस पड़ोस में जो भी गंदगी दिखाई देगी, मैं कोशिश करूंगा उन्हें समझाने की गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। मैं एक संगीतकार हूं तो उसको सी लेवल से ले जाऊंगा जी। धन्यवाद छिंदवाड़ा नगर निगम की टीम और 2022 के मेरे प्यारे सभी स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, आपके सबके सहयोग से छिंदवाड़ा ने जो मुकाम हासिल किया उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और 2023 के लिए हमें पुनः मौका दिया गया है स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर का। हमारे साथ नई टीम यहाँ पर है, नगर निगम ने गठित की है। हम सब संकल्पित हैं कि छिंदवाड़ा को नंबर वन बनाने में, पॉलीथीन मुक्त कराने में और स्वच्छता आदत में लाने में हम सब अपनी कमर कसेंगे। विशेष रूप से आपके माध्यम से मैं छिंदवाड़ा से अपील करना चाहता हूँ कि स्वच्छता को अपनी आदत में लाएँ और स्वच्छता दूत जो हमारे इस भीषण ठंड में, गर्मी में, बरसात में काम करते हैं, उनको परिवार के सदस्य जैसा प्यार दें। आपके सहयोग के बिना हम नंबर वन बनाने में सार्थक या सफल नहीं हो पाएंगे। तो करबद्ध निवेदन है नगर निगम और तमाम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडरों की ओर से कि हमारे प्रिय छिंदवाड़ा को स्वच्छता में नंबर वन बनाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद छिंदवाड़ा।